पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री और मुरादाबाद जनपद के प्रभारी जितेंद्र प्रसाद अपने एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंच प्रभारी मंत्री ने पंचायत भवन में मेरी माटी मेरा देश कलश यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान करने के साथ ही केंद्र और प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री के द्वारा 16 गौ आश्रय स्थलों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसके अलावा स्वाधीनता संग्राम सेनानी भवन का पुनर्निर्माण और लोकार्पण कार्यों का निरीक्षण भी किया। जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के क्रम में ये आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के संकल्पों को अब साकार किया गया है। देश ने चंद्रयान के माध्यम से चांद पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। तुम तो पीछे हो गए यार, तभी तो थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे और चल दे। थोड़ा और पीछे जाओ, और पीछे अरे सर बस आ गया सर। अरे अरे डल जी इतना भाई, अरे भाई सर जी ये बने किसी मेटल का क्या है? लाइटिंग है, कहाँ लाइटिंग आ रही है? कि हमारे जनपद में दो दिनों से स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता का बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयुष्मान भारत आयुष्मान भव कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें अभियान चलाकर हमारे जनपद में लगभग 1,00,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। मैं भी माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि हम सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जनपदों में से एक हैं। हमारा लगातार 5वां-6वां आयुष्मान रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में ये भी माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा
कि हमारे जनपद की और जनपद की नहीं पूरे प्रदेश की जो निराश्रित गोवंश की जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसके निराकरण के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा कार्य किया है। हमने प्रत्येक ब्लॉक में दो गोवंश आश्रय स्थलों का आज माननीय मंत्री जी के माध्यम से उनके कर्मों से स्वागत उसका उद्घाटन करवाया है। इस प्रकार 16 गोवंश आश्रय स्थल 2 महीने के अंदर अस्तित्व में लाएंगे और इन 16 गोवंश आश्रय स्थल में लगभग 8,000 गोवंश हम संरक्षित करेंगे। हमारी प्लानिंग है कि हम जनपद का समस्त निराश्रित गोवंश हम उसका संरक्षण करें। इससे भी अधिक होगा, अभी तक केवल जनपद में 4,000 निराश्रित गोवंश संरक्षित है। हम 2 महीने के अंदर 8,000 गोवंश के संरक्षण के लिए पूरी हमने व्यवस्था की है और हमारा लक्ष्य रहेगा कि 17 नवंबर लास्ट तक हम इसका लोकार्पण भी करा दें। ये कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं में आए पैसे के अवसरण एवं सीएसआर फंड के माध्यम से हमारे कराने का प्लान है। हमें कोई गवर्नमेंट से सीधे इसमें कोई हमें सहायता नहीं मिली। हम माननीय विधायकों को माननीय सांसद सभी लोगों की मदद से तथा सीएसआर जो मैं माननीय मंत्री जी को ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने आने के बाद यहाँ पर जो गोवंश के संवर्धन से संबंधित खाता था जिसमें कि अभी तक शासन देश के बाद कोई भी पैसा जमा नहीं हुआ, हमने 15 लाख से ऊपर पैसा जमा करवाया उसमें और इसमें हमारे सभी अधिकारियों ने 11,000 रुपये से अधिक के पैसा दिया है और सभी प्रधानों ने भी ये पैसा बहुत से लोगों ने दिया है और मैं प्रत्येक ब्लॉक में जा रहा हूँ, प्रधानों को संबोधित करूँगा, उनकी समस्याओं का सुनूंगा भी और उनसे 11,000 की धनराशि भी उनसे प्राप्त करूँगा। मैं यहाँ पर बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस कार्य में हमारा सहयोग प्रदान करें। हमारा लक्ष्य है कि 2-3 महीने के अंदर जनपद में किसी प्रकार निराश्रित गोवंश को लेकर कोई समस्या ना रहे। मैं माननीय मंत्री जी को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जितने भी गोवंश आश्रय स्थल हम लोग खोल रहे हैं उनमें प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल को हम 10 ग्राम पंचायतों से जोड़ेंगे और ये 10 ग्राम पंचायतों का काम ये होगा कि वहाँ के प्रधानों का काम होगा कि वो अपने उनके ये फिक्स कर देंगे कि वो महीने में 3 बार जाएंगे और वहाँ पर उनकी व्यवस्था देखेंगे। व्यवस्था में कोई कमी होगी तो वहाँ पर जो वहाँ पर नोडल अफसर होगा उसको सूचना देंगे जिससे कि हमारी व्यवस्था सुचारू रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आज गांधी जयंती के अवसर पर मुझे मुरादाबाद जो प्रभार क्षेत्र है आने का अवसर मिला है। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहाँ 16 ब्लॉक में गौ आश्रय स्थलों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किए गए हैं। हमारे जो मेरा देश मेरी माटी प्रधानमंत्री जी का खास अभियान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो याद में उनकी कार्यक्रम चलाया गया है उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे। विभिन्न अधिकारियों से भी यहाँ समीक्षा की गई है जो विभिन्न विकास की योजना है और ख़ास तौर से जो लोक निर्माण विभाग के सड़कों का यहाँ पे बारिश के कारण जो क्षतिग्रस्त हुई हैं सबको निर्देश दे दिए गए हैं। सर्वे पूरा हो चुका है, रात दिन होके मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, अभियान चला के सभी सड़कों को की मरम्मत कराई जा रही है और आगे की भी योजना जो यहाँ नई सड़कों की स्वीकृति और चौड़ीकरण की है उस पर भी विचार विमर्श करके जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए। यहाँ तो मरम्मत के लिए पैसा ही नहीं मिला है, मरम्मत रात दिन। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।